उड़ल जिहा हो हाजी नबी के नगरिया के माथा वा में, अरे माथा वा में बांधी केनो, माथा वा में बांधी केनो दुरूद दहरिया। उड़ल जिहा हो हाजी नबी के नगरिया, उड़ल जिहा हो हाजी नबी। थानवी अले रहमा के खलीफा थे, जो अपने जमाने में डिप्टी कलेक्टर थे अंग्रेजों के जमाने में, ख्वाजा अजीजुल हसन मज़ज़ूब गौरी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत जानते होंगे उनका दीवान भी छपा हुआ है अशार के, जो किताब होते हैं ना उसको दीवान कहा जाता है। वो कहते थे कामयाबी तो काम से होगी। क्या? कामयाबी तो काम से होती, काम से होगी, ना कि हुस्ने कलाम से होगी। हुस्ने कलाम बहुत अच्छी तकरीर हो गई लच्छेदार, आप लोग यहाँ से उठे तो कह के उठे करें मुफ्ती साहब बड़ी शानदार तकरीर की, तो मुफ्ती साहब को क्या फायदा हुआ इससे और आपको क्या फायदा हुआ? आप अगर उस पर अमल करेंगे तो आपको फायदा होगा और आप अमल करेंगे तो हमको भी फायदा होगा। बात सुन करके अगर आप अमल करेंगे तो जैसे सवाब आपको मिलेगा मुझे भी मिलेगा। इसलिए काम करने का मिजाज बनाइए, करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग किस इमाम को मानते हैं? एक दो आदमी जानता है। ये लोग सोच रहे होंगे कि इमाम साहब यहाँ जो हमको तो मानवे करते हैं। आप लोग अपने शरीयत और दीन में इमाम और पेशवा जिनको मानते हैं वो इमाम आजम अबू हनीफा है। उनका नाम नौमान इब्न साबित। आप उनको जानते हैं ठीक से? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को आप लोग ठीक से जानते हैं? इमाम आजम, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, ये तीन इमाम हैं हनफिया के बड़े बड़े इमाम। ये दो शागिर्द हैं इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद है। इल्म अल्लाह ने इन दो शागिर्दों को अपने उस्ताद के करीब करीब दिया था, लेकिन इन लोगों ने अलग से अपना मसलक नहीं बनाया, उसी पर चलते रहे। बड़े लोग बहुत काम किया इन लोगों ने उम्मत के लिए। अगर ये लोग काम करके नहीं जाते तो हम लोग मुफ्ती साहब जो कहलाते हैं ना, ये मुश्किल होता। सब करके उन लोगों ने किताबों में लिख दिया है, वही हम पढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं। सब काम किया हुआ, कुर्बानियां दी हुई इनकी है। अगर इस तरह से वो लोग वक्त जाय किए होते जैसे हम लोग करते हैं तो कोई काम आज होता? अपने औकात की कदर कीजिए। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज जो है वो वक्त है। जो कौमें वक्त की कीमत जानती है वो आगे बढ़ रही है। हम लोग वक्त की कीमत नहीं जानते, इसलिए पिछड़े हुए हैं आज तक। इसको समझिए, उलमा ने लिखा है अल वक्त असमन मिन अद्दहब। वक्त जो है वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। सोना भी आदमी कमाता है तो उसमें क्या लगाता है? वक्त लगाता है। इसकी कोई कीमत का अंदाजा नहीं कर सकता, इतना कीमती है वक्त। इसलिए इसको काम में लाएंगे इंशाल्लाह। बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत जरूरी बातें, बहुत कीमती बातें आपके सामने मैं करूंगा और इंशाल्लाह आप सब सच्चा होगा। ये तीनों बुजुर्ग जिसका नाम मैंने भी जिक्र किया है, बहुत बड़े बड़े हैं, इमाम हैं अपने जमाने के। दुर्रे मुख्तार एक वाकया लिखा है कि एक बुजुर्ग ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा तो उनसे पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बख्श और जन्नत में एक आला मकाम अता किया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुमको आजाद देना मकसूद होता तो तुमको इल्म नहीं देना। इल्म इसीलिए दिया कि तुम्हारी बख्शिश भी करूं, तो अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और जन्नत में एक आला मकाम अता किया।
कहा कि इमाम अबू यूसुफ का क्या हाल है, कहा कि हमसे दो दर्जा बुलंद है। कितना? दो दर्जा ऊपर है। और जन्नत का एक दर्जा दूसरे दर्जे से कितना ऊंचा है मालूम है? जमीन से आसमान का जितना फासला है उतना एक दर्जे से दूसरे दर्जे का फासला है। और जमीन से आसमान का कितना फासला है तो पढ़ा लिखा आदमी मिलेगा तो पूछ लीजिए। अब तक हमको कोई नहीं बता सकता इस जमीन से इस आसमान का फासला कितना है। चांद का फासला, यहां से चांद का फासला तकरीबन 5 लाख किलोमीटर है। कितना? और सूरज उससे बहुत ऊंचा और सितारे उससे बहुत ऊंचे और सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क का इम्तिहान और भी है, उससे बहुत ऊपर बहुत सारे और सैयारात हैं। और आखिरी मंजिल और मकाम जो इस कायनात का कहलाता है वो सिदरतुल मुंतहा है। मेराज के शब जिब्रील अमीन सिदरा पे पहुंचकर रुकी गए, सिदरा को भी जेरे पा करके दिखला दिया कमली वाले ने। और एक दूसरी जगह दूसरे शायर ने कहा है कि फजा से चांद उड़ा फिर एक कमाल के साथ, और वो चरख की जानिब चला जवाल के साथ। फजा से दूर बहुत दूर वो जगह है जहाँ फरिश्ता जा न सका आमना के लाल के साथ। बेशक बेशक वो सिदरतुल मुंतहा। और उससे ऊपर का मकाम है जो हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है जिसे आगे आप तशरीफ ले गए। बहरहाल तो हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने हजरत इमाम मोहम्मद से दो दर्जा ऊपर रखा। कहा कि इमाम आजम का क्या हाल है, उन्होंने कहा कि है हा दाका फी आला इल्लियीन। उनके बारे में आप क्या पूछते हैं, वो तो आला इल्लियीन में है, बहुत ऊंचे मकाम पर। उसके आगे साहिब उल्लेख मुख्तार लिखते हैं कि ये बात क्यों नहीं होती, ये बात क्यों नहीं होती। इमाम आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नवाजिश की है, होनी ही चाहिए। उनका मकाम बुलंद का क्या हाल था आपको मालूम है? इशा की नमाज पढ़ करके जब सब लोग घर चले जाते थे तो हजरत तहज्जुद की नियत बांध देते थे मस्जिद में, कुरान पाक पढ़ते और कुरान पाक की आयात में खो जाते और नमाजी के हालत में इतना गौर व खोज करते कि बहुत सारे मसाइल का इंकशाफ अल्लाह की तरफ से हो जाता था उनके कल्ब पे। अल्लाह इल्का फरमाता था कभी कभी एक एक आयत को पढ़ते पढ़ते पूरी रात गुजार दी, पूरी रात। तब ने इतने मसाइल का इस्तेमाल किया उन्होंने कुरान से। रमजान शरीफ में हजरत का मामूल था कि एक कुरान हजरत दिन में पढ़ते थे और ईशा के बाद फिर दूसरा कुरान पढ़ लेते थे, दो कुरान। एक मरतबा खाने काबा हज के लिए तशरीफ ले गए। हाजी साहब भी जा रहे हैं, कैसा हज करना है गौर से सुनिए। हज के लिए तशरीफ ले गए, तलाश कर रहे थे तो तन्हाई का वक्त मिलता तो अल्लाह से हम कुछ राज व नियाज की तन्हाई में बात करते, लेकिन वहां तो तन्हाई मिलती नहीं है। उस जमाने में चूंकि आबादी कम थी, 80 हिजरी की पैदाइश है, 80 जी हुजूर के वसाल के 80 साल के बाद अब पैदा हो गए और 150 में इंतकाल है, तो बहुत पहले का जमाना है। तकरीबन 1300 साल गुजर गया। उस वक्त इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, तन्हाई में एक वक्त नजर आया गए तो खाने काबा का चाबी बरदार जो है, जो दरवाजे का चाबी इसको दी गई है, कयामत तक उस खानदान में रहेगी चाबी, हुजूर ने दिया था। उन्होंने खाने काबा का दरवाजा खोला और कहा कि आप अंदर जाकर जो कुछ करना चाहें करें। अंदर तशरीफ ले गए तो दो रकात की नियत बांध ली। क्या? दो रकात की नियत बांधा और कुरान पढ़ना शुरू किया। एक रकात में 15 पारा पढ़ा और दूसरी रकात में
15 पारा, एक पूरा पुराण खत्म हुआ। अभी सुबह सादे का तुलू होने के करीब है, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में रोने लगे और क्या कहा, मा अबदना का हक्का इबादत, अल्लाह हमने आपका हक की इबादत अदा नहीं की। और हम लोग कुछ नहीं करते हैं और समझते हैं कि बहुत बड़े वली अल्लाह हो, सब कुछ करके अब क्या कह रहे हैं, मा अबदना का हक्का इबादत, ऐ अल्लाह आपका हक की इबादत हमसे अदा नहीं हुआ। लीजिए, हम लोगों को सबक सीखना चाहिए। उलमा ने लिखा है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताजिर थे, गुलाम तजारत करता था और आप लोगों को दीन की तालीम देने में लगे रहते थे। इशराक के बाद से तालीम शुरू होती थी तो दोपहर तक होती थी, जब सूरज चले जाता था तब तक पढ़ाते थे और उसके बाद आराम फरमाते थे। ज़ुहर की नमाज पढ़ करके फिर पढ़ाते थे असर, और असर की नमाज पढ़ करके अपने दुकान में चले जाते थे, जो उस दिन का नफा होता था लोगों में बांट बांट, और फिर गुलाम को तिजारत की इजाजत दे करके वापस चले आते थे। मगरिब की नमाज मस्जिद में पढ़ते, मगरिब के बाद फिर पढ़ाने का मामला, और ईशा के बाद, ईशा के बाद फिर अल्लाह के साथ राज़ो नियाज़ में लग जाते। बाज़ लोगों ने लिखा है कि एक जमाने तक हजरत का ये मामूल रहा इमाम आज़म अबू हनीफा का कि हजरत ईशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़े। क्या 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े तो कई घंटा सोते थे। एक दो घंटा कम से कम लगता है कि बंगाली वाले समझ नहीं रहे हैं। सोने से वजू टूटता है आपका कि नहीं, टूट जाता है तो सो नहीं रहे हैं। अरे सब जगह हुए हैं, कौन कौन जगह में, हाथ उठा बताइए। अच्छा सब जगह, अच्छा ज्यादा नहीं जगना है, थोड़ा देर जगिए उसके बाद इंशाल्लाह हजरत की बात होगी, दुआ होगा। तो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज जिस शख्सियत ने पढ़ी हो वो क्या कह रहे हैं अल्लाह के सामने, मां अबदना का हक है भाई, आपके इबादत का हक आपने अदा नहीं किया, हमसे हक अदा नहीं हुआ। एक मामूल हजरत का और लिखा है कि एक मर्तबा कुछ जरूरतमंद आ गए जिनको ज्यादा पैसों की जरूरत थी। अब वो लोग सोच रहे थे कि जरूरत मेरी कहां पूरी होगी, तो लोग जब परेशानी में होते हैं तो बड़े लोगों से मशवरा करते हैं। कुछ बुजुर्गों से उन लोगों ने मशवरा किया तो कहा कि ये काम नौमान इब्न साबित इमाम आजम अबू हनीफा कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। वो लोग गए और अपना जरूरत उनके सामने रखी, लिखा है कि असर से मगरिब के बीच में 4000 अशरफियां अदरक करा, कितने 4000 अशरफियां, ये अल्लाह के बंदों की खिदमत में इतना पैसा खर्च करते हैं। पैसा भी अल्लाह ने दिया, आपको भी अल्लाह ताला दे तो सही जगह में खर्च कीजिए, फजूल खर्च ही नहीं। और उम्र शरीफ आपकी 80 में पैदा हुए, 150 में इंतकाल हुआ, तो कितनी हुई उम्र, हिसाब किताब नहीं पढ़ते हैं वाले मुखिया जी वगैरह, गुस्सा हो जाएंगे। अरे कितनी साल उम्र हुई, 70 साल, 70 साल की उम्र में 50 हज किया है इमाम आजम अबू हनीफा, वहज्जा 50 हज्जतन, कितना हज किया, अरे कितना हज किया, 50, कोई अरबपति खरबपति 50 हज किया है। बंबई में भी हमने एक तकरीर की थी, उसमें पूछा था लोगों से कि यहाँ बहुत बड़े बड़े सेठ हैं पैसा वाले, 50 हज कोई किया है तो कोई नहीं निकला, कोई 5 निकला, कोई 10 निकला, 15 तक निकला, वो 15 से ऊपर कम निकले, 50 हज किया। और ये सब हज इमाम आजम अबू हनीफा ने पैदल किया, क्या किया, पैदल हज किया,
अब आप यहाँ हिंदुस्तान से जाइएगा तो पैदल आपसे होगा भी नहीं, वो इराक के रहने वाले थे तो इतना फासला नहीं था, फासला कुछ कम है लेकिन वो भी बहुत ज्यादा फासला, पैदल हज करना सबके बस का नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 50 हज किया और पैदल किया, और हज कैसा कैसा किया है सो आपको अंदाजा लग गया ना, उस हज में कितना अल्लाह को मनाने की और कुछ करने की कोशिश किया, पूरा पूरा कुरान पढ़ दिया, रात गुजार दिया, और फिर अपने आजजी और इंकिसारी का इजहार किया, मां अबदमा का हक का इबादत। हम लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे। जाएंगे आप लोग कौन कौन जाएंगे, इरादा कीजिए, हम भी इंशाल्लाह जाएंगे, जो जा चुके हैं वो फिर इरादा कीजिए जाने का, और जो नहीं गए हैं अल्लाह से मांगिए। पैसा वाले पैसा से नहीं जाते, अल्लाह के बुलाने से जाते हैं। कितने करोड़पति चले गए दुनिया से, सब पैसा छोड़ के चले गए, हज नसीब नहीं हुआ है ना, बुलावा होता है तब लोग जाते हैं, बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। हाँ, जिसको जिसको अल्लाह ताला बुलाएंगे वो जाएगा, लिस्ट में नाम आता है ना तब काम शुरू होता है, पासपोर्ट बनता है, फॉर्म भरता है, पैसा जमा होता है ना, और बहुत लोग सब कुछ करके कुछ हो जाता है तो नहीं जा पाते, तो अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा आप नहीं जा पाएंगे। इमाम साहब को अल्लाह ने चाहा तो 50 मरतबा पैदल बुला लिया, हम लोग चाहेंगे तो 100 मरतबा अल्लाह ताला नहीं बुलाएंगे, चाहेंगे तो हज करेंगे तो मार्केटिंग करेंगे, खाली जाके हज के अमाल में लगेंगे, अल्लाह ताला को खुश करने के अमाल में लगेंगे, उन अरकानों को पूरा करेंगे, उन वाजिबात को पूरा करेंगे, उन सुन्नतों को पूरा करेंगे, उन मकामात पर जा करके इबरत हासिल करेंगे, तमाशा बन करके नहीं जाएंगे, तमाशा देखने के लिए नहीं जाएंगे। हाँ, वो दर और वो अल्लाह का घर कैसा है कौन बता सकता है, वो शहरे तैयबा वो तैयबा की गलियां, वो शहरे तैयबा वो तैयबा की गलियां, बड़ी खूबसूरत है रश्के गुलिस्ता, यही तो वो अर्ज़े मुकद्दस है लोगों, जहां का है हर जर्रा लाले बदख्शा, मकामे अदब है दबे पांव चलिए, मकामे अदब है दबे पांव चलिए, यहां सो रहे हैं दो आलम वो मक्का और वो मदीना, क्या कहने हैं उसके शान, कैसी है उसकी शान, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और पैगंबर आखिर जमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए सब उसकी ज़ियारत के लिए तशरीफ लाए। खाने काबा का देखना भी सवाब, आप कितना करोड़ का घर बना लीजिए उसको देखना सवाब है, खाने काबा के गिर्द घूमना सवाब, आपके घर घर के इर्द गिर्द को चक्कर लगाए तो सवाब मिलेगा नहीं। खाना काबा में जो अमल आप करें वहां एतिकाफ के नियत से बैठे भी रहेंगे तो सवाब पाते हैं, खाने काबा को देखते रहेंगे सवाब पाते रहे, अल्लाह ताला की तजल्ली सबसे ज्यादा खाने काबा पर पड़ती है। हाँ, खाने काबा को जब इंसान देखता है और पहली मरतबा उसके दिल में जो दुआ आती है दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेता है, ये वो मकाम है। तो ये सब याद रखने की चीजें हैं, वहां जाकर के बाजार और दूसरे चीजों में मशगूल नहीं होना है, गाफिल नहीं रहना है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला के घर में आप गए हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह मेहमान अपने घर वालों का इतना खिलाता पिलाता है, लेकिन खाली खाने के फेरा में नहीं रहना चाहिए, खिलाना भी चाहिए। हम गए थे तो पलामू के दो तीन हाजी साहब थे, सेब बट रहा था, सेब पेटी पेटी, अब भीड़ लग जाती है, अब लूटने में दो हाजी साहब गिर गए, बुढ़ा बुढ़ा हाजी, अब कार्टून में घुस गए, हम लोगों ने उठाया जाकर, मैंने कहा हाजी साहब कहाँ से आए, कहा पलामू साहब, मैंने कहा यही करने के लिए 3-3.5 लाख रुपया खर्चा करके कार्टून में गिरने के लिए, इरादा कीजिए हम भी बांटेंगे, खाली उठेंगे, हर हाजी को ये जज्बा होना चाहिए हम बांटेंगे, खाली उठेंगे नहीं, कोई मेहमान नवाजी करे तो आप उसको कबूल कीजिए, लेकिन गिरिए पड़िए नहीं जाके खजूर लूटने में, सेब लूटने में, जूस लूटने में। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे बंदों को वहां रखा है ना, हैरत में पड़ जाए, ट्रक का ट्रक जूस, ट्रक का ट्रक से, ट्रक का ट्रक और चीजें सब बांट रहे हैं लोग आपके लिए, अरे आप कहां गए हैं, अल्लाह के घर में गए हैं, अल्लाह के मेहमान हैं,
तो अल्लाह मेजबानी कैसे कराता है वहां देखिएगा जाकर के अरफात के मैदान में नजर आए। लेकिन होश में रहिए, वो बहुत बड़ा मकाम है, बहुत अजीब मकाम है। काबे पड़े, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, काबे पे पड़े जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया में, है ना? ऐसी शान से, ऐसी मोहब्बत से, ऐसे इश्क से खाने काबा को देखना है ना? और दुआ करनी है अल्लाह तबारक व तआला से, जो दुआ अल्लाह ताला को कराना होगा उसकी तौफीक वहां दे देगा, बुला देगा। यहाँ से बड़ी सोच सोच के जाता है आदमी और देखता है खाली वहां टक्टक की बात के जबान भी नहीं मिलती। तो जो अल्लाह को कहलवाना होगा वहां दुआ अल्लाह ताला तौफीक देने करने की, ज्यादा सोच साच के भी जाइएगा तो भी ज्यादा कारगर नहीं होगा। मदीना पाक जाइए तो मस्जिद नबवी की नमाज नहीं छूटे, तकबीर उला के साथ हर नमाज मस्जिद नबवी में पढ़िए, रोजा पाक की ज़ियारत कीजिए। वो रसूल सैयद उल आदम फखरे मौजूदात इमाम उल अंबिया ताजदार औलिया जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां लेटे हुए, जिस रसूल पर आपने ईमान लाया, जिस रसूल के इश्क मोहब्बत में आपने कितने नाते सुने, जिस रसूल की तौसीफ में आप दिन रात सरसार रहते हैं, उस रसूल के रोजे पर आपकी हाजिरी है, कितनी शहादत की बात। कोशिश कीजिए कि रोजाना हाजिरी दीजिए, रोजाना सलाम पेश कीजिए, और याद रहे तो हम लोगों की तरफ से भी सलाम पेश कर जो लोग जा रहे हैं, दरखास्त करेंगे इंशाअल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खाने काबा गए, हज से फारिग हुए, मदीने पाक तशरीफ ले गए, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को मालूम था कि इमाम आजम आ रहे हैं, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पहले से इंतजार में थे, तशरीफ ले गए, अपने अमाल से फारिग हुए, तो इमाम मालिक ने कहा कि मेरे घर तशरीफ चलिए, आपकी ज़ियारत में करूंगा, हजरत तशरीफ ले गए। 11-12 रोज जब गुजर गए तो इमाम मालिक से उन्होंने तकाजा किया कि अब मेरे बस में यहाँ रहना नहीं है, अब मुझे रुख्सत कीजिए। इमाम मालिक ने कहा कि हुजूर यहाँ लोग आते हैं तो ज्यादा ठहरने की कोशिश करते हैं, आप जाना चाहते हैं? इमाम मालिक को कान में कहा कि इस सरजमीन पाक पर जब से आया हूँ इस्तिंजा नहीं की, मुझे बेअदबी मालूम होती है कि जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, जिस शहर में आपने मस्कन इख्तियार किया, जिस शहर में आप चले फिरे हैं, वहां मैं गंदगी करूं ये गवारा नहीं है, और अब इस्तिंजा रोकने की सलाहियत भी जवाब दे रही है, इसलिए मुझे बाहर निकलने की जरूरत है। हजरत नानोत्री को आप जानते हैं, मौलाना कासिम साहब नानोत्री का नाम सुना है? हजरत नानोत्री रहमतुल्लाह अलैह मदीना पाक के सरहद में घुसे तो जूताए मुबारक हाथ में ले लिया, जूताए मुबारक हाथ में ले लिया। लोगों ने कहा कि हजरत ये पथरीला इलाका है, पथरीली जमीन है, आपके पांव जख्मी हो जाएंगे, जूता पहन लीजिए। कहा कि नहीं, मैं जूता नहीं पहनूंगा, ये वो शहर है जिस शहर में सैयद उल्द आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल रहे हैं, कहां कहां चले हैं, कहां आपका कदम पहुंचा है, उस कदम पर नानोत्री का गुस्ताख जूता अगर पहुंच जाएगा बेअदबी, इसलिए जूता नहीं पहन। हाजी ऐसे होते हमारे बुजुर्गों के और हमारे असलाब के, बहुत सारे ऐसे ऐसे वाकयात हैं जिससे हमको इबरत हासिल करनी चाहिए, और अय्यामे हज में जो औकात हैं उसको काम में लाना चाहिए। जब तक आप मक्का में रहें, पांचों नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ने की हरम में कोशिश कीजिए, मदीना में रहें पांचों नमाजें मस्जिद नबी में पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ ज़ियारत की जगहें हैं, जाना चाहिए मौका हो तो। मदीना पाक से हम लोग बद्र गए थे तो मदीना पाक के एक ड्राइवर को हम लोगों ने तैयार किया कि फजर की नमाज पढ़ करके आप हमको बद्र ले चलिए और जोहर हम लोग नहीं पढ़ना। वो सहाबा अंसार की औलाद में से थे। मैंने जब पूछा, ड्राइवर के साथ में आगे ही बैठा हुआ था, तो कहा कि मैं अंसार सहाबा अंसार की औलाद में से, और वो बद्र ले गए हम लोगों को और वक्त से पहले जोहर में हम लोगों को पहुंचा दिया। तो आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे औकात भी मुहैया आपको कर देंगे। और गफलत में रहने वाले होटल भी रखते पड़े हुए,
होटल में नमाज पढ़ लेते हैं, एक नमाज का सवाब 1,00,000 के बराबर हरम खाने काबा के अंदर, और मस्जिद नबवी में 50,000 के बराबर। पूरी जिंदगी भी पढ़ेंगे तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, होगा पूरा। इसलिए अल्लाह से दुआ करके यहाँ से जाइए, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस अजमत के मकाम पर आप लोगों को जाने की तौफीक दे रहा है उसकी अजमत का ख्याल रखिए, और वहाँ जो कुछ हो सके अपने गुनाहों की माफी मांगिए, नेकियां कीजिए अपने लोगों के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरे आलम के खलफशार के खत्म होने के लिए, और पूरी दुनिया में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा होने के लिए, इस्लाम का बोलबाला के लिए, वो कुफ्र व इल्हाद के मुंह काला करने के लिए अब दुआ कीजिए, ताकि मुसलमानों को इस दुनिया में अल्लाह तबारक तआला सुरखरुई अता करे और आपको भी अल्लाह तआला कबूल फरमाए। याद रहे दुआओं में हमें भी याद रखिए, अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को जो जा चुके हैं दोबारा जाने की तौफीक अता फरमाए, और जो नहीं जा सके हैं उसको पहली मर्तबा जाने की तौफीक अता फरमाए। क्या यहाँ तो नाक खां को लोग देते हैं और 10-10 रुपया, वो बेचारा इतना जमा करके लेता है और गिनती है उसकी अहलियत का दिन कहाँ आएगा, ये कौन बकील है, 10-10 रुपया देने का क्या दस्तूर है, उछल उछल के देते हैं। देखिए हाजी साहब 500 रुपया दिए और चुपके से, तो देखिए शोरा को दीजिए, गुर्रा को भी दीजिए। सबसे ज्यादा अजमत का कलाम पढ़ने वाला कौन है, कारी, तो कारी को आप पढ़ देते हैं, देंगे इंशाल्लाह, देना चाहिए, मुकर्रर को मत दीजिए, हम चूंकि मुकर्रर हैं इसलिए हम अपने बारे में नहीं कर सकते, शायर को दीजिए अदब से उछल कर, वो तरीका गलत, ठीक है, हम मुसलमान हैं, हर तरीके में हमको इस्लाम का पासवान बनना चाहिए, ठीक है, शायरों को उनके हौसला अफजाई के लिए दाद भी दीजिए और माल भी दीजिए, कौन रोकता है। वो कासिम साहब थे भागलपुरी, इंतकाल फरमा गए ना, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, वो कहते थे कि सब कुछ खोल के सुनो, कान आंख नाक ताक जेब तेब सब खोल के सुनो, जेब तेब खोल के सुनो का क्या मतलब होता था, तो कुछ कुछ देना चाहिए, इतना वकील नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम लोगों को सबको हज की तौफीक अता फरमाए, और जब तक हज में ना जाए यहाँ अपनी याद से अल्लाह तबारक व तआला गाफिल नहीं रखे, अपनी याद के साथ जिंदा रखे, अपनी इबादतों के साथ, नमाजों के साथ, रोजों के साथ, तिलावत के साथ, जिक्र के साथ जिंदा रखे। मैंने बताया था कि ख्वाजा साहब ने लिखा है, कामयाबी तो काम से होगी ना कि हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के एहतमाम से होगी, फिक्र के इल्तजाम से, और नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है लोगों, नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है लोगों, ये बेहतर है कि लफ्जों के बजाय जिंदगी बोले। हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, हमारी सीरत, हमारे अखलाक और अतवार ऐसे होने चाहिए कि दुनिया हमको देख करके, नमूना समझ करके अपना रास्ता इख्तियार करे, हमको वैसा वैसा। अल्लाह हम तौफीक अता फरमाए, आप लोगों को तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।